नमस्कार, आर्यन रसोई में आपका स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा, मैं बनाने जा रही हूँ दलिया की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। दलिया कोई भी नहीं खाता है, बच्चे तो बिल्कुल ही दलिया नहीं छूते हैं, लेकिन आज मैं जो रोज बनाने जा रही हूँ उसको आप बनाएंगे तो बच्चे बड़े स्वाद से खाएंगे और पूरा परिवार आपका खाएगा। एक ऐसी रेसिपी है जिसको बहुत आसानी से बना सकते हैं आप और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए बनाते हैं दलिया की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। मैं बनाने जा रही हूँ दलिया से बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता। खाने में इतना ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको रोज़ बना के खा सकते हैं, नाश्ते में या स्नैक्स में किसी में खा सकते हैं बना करके। इसको आप केचप, चटनी किसी के भी साथ खाइए। देखिए बहुत ही अच्छा बना है, ऊपर से बहुत क्रंची है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बना है। बहुत अच्छा नाश्ता बना है और पौष्टिक बहुत है और जल्द बन जाता है फटाफट। इसको आप बनाइए नाश्ते में। कैसे बना चलिए दिखाते हैं आपको। दलिया का बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाने के लिए हमने एक कटोरी दलिया लिया था, उसको हमने पानी में भिगो दिया था 4 घंटे के लिए। देखिए दलिया फूल चुका है अच्छी तरह से, आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए अच्छी तरह से फूल चुका है, इसको धो के हमने भिगोया था। अब इसको हम चलनी में निकाल देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए इसमें से। हमने इसमें निकाल लिया पूरा दलिया, अब इसको इस तरह से हम दबाएंगे, इसका पानी निकल जाएगा सारा इसका। इसका सारा पानी निकाल दिया है हमने, अब इसको हम एक बर्तन में कर देंगे। डाल देंगे इसमें हम आलू, 2 आलू उबले हुए छील करके उसको हमने कद्दूकस कर लिया है, 1 बड़ी प्याज बारीक कटी, कड़ी पत्ते 15 से 20 उसको हमने काट लिया है, 1 हरी मिर्च कटी हुई, आधी कटोरी सूजी, 1 कटोरी बेसन, नमक, कुटी काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर, हींग, गरम मसाला, आमचूर पाउडर। अब सबको मिला लेंगे अच्छी तरह से, हम मिलाएंगे हाथों से सबको। कुछ मिला लिया इसमें हमने अच्छे से, अब हम हाथ में लगाएंगे ऑयल। इसमें से हम लेंगे इतनी लोई लेंगे हम, इसको हम ऐसे करेंगे गोल करेंगे हम इसको और फिर इसको हम ऐसे रोल कर देंगे इसका इस तरह से। इसको हम ऐसे दबा देंगे इस प्रकार से, इस तरह से हम बना करके रख लेंगे।
हमने एक पैन में तेल गरम करने रख दिया है, तेल गरम हो गया है। हम एक लेंगे और इसको डाल देंगे, इसी प्रकार से हम डाल देंगे तेल में। और गैस को हमने मीडियम कर दिया है, बिल्कुल तेज पे नहीं करना है, मीडियम करिए या लो करिए। इसको हम अच्छी तरह सिकने देंगे एक तरफ। बहुत ही हेल्दी नाश्ता बन रहा है जी। अब इसको हम पलट देंगे। बस इसको ऐसे ही सिकने देना है हमें। दोनों तरफ इसको हमें गोल्डन कर लेंगे। इसको हम फिर से पलट देंगे। देखिए सीख चुके कितनी अच्छी तरह से, सुनहरे हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे और इसी प्रकार से हम सारे बना लेंगे। यार है दलिया का स्वादिष्ट नाश्ता, इसको आप कैचअप चटनी किसी के भी साथ खाइए।